हो रहा है क्योंकि ये शाम को ना हम दिया जलाने वाले हैं, यानी कि दिवाली मनाने वाले हैं। तो मेरे को ना प्लास्टिक ग्लास में नहीं देना, मेरे को उस ग्लास में लेना। तो हो रही है हमारी सुबह की गर्मा गर्म सी ताज़ी ताज़ी सी चाय, इसे पी के हम तो गाइज अभी मैं फाइनली नहा के आ गई हूँ और कसम से क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, छत पे पूजा करते हैं टाइम बिना हस्बैंड जी बिना। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइज जय श्री राम। तो गाइज अभी हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और अभी बज रहा है सुबह के 10। तो अभी सुबह सुबह की बन रही है चाय। आज काफ़ी लेट हो गया क्योंकि हस्बैंड जी की भी है छुट्टी, और तो सुबह सुबह की चाय यहाँ बन रही है और हस्बैंड जी दिया को अच्छे से धो रहे हैं क्योंकि ये शाम को ना हम दिया जलाने वाले हैं, यानी कि दिवाली मनाने वाले हैं। तो दिया को ना अच्छे से हमने भिगो के रख दिया था, तो बस इसे धूप तो बाहर झाड़ू टूट जाएगी यादू, धूप तो बाहर निकल नहीं रही है, लेकिन देखते हैं कि हमारा जो दिया है वो सूखता है कि नहीं। और बहुत ही प्यारा सा हमारा जो ये कॉलोनी है ना, उससे भी सजा रखा है इतना प्यारा सा। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार छोटा सा व्यू, मुझे देख सकते हैं। और ना अभी नीचे से तो मैं बहुत ज़्यादा थर्ड फ्लोर पे हूँ ना, तो अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है, जब रात होगी ना तो और भी प्यारा सा सजा रखा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अभी नहाना होना कुछ भी नहीं हुआ है, पूजा वूजा भी करना है, तो बोल रहे हैं कि 11 बजे तक हमें पूजा करना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जो मेरा पूजा है ना वो 11 बजे तक कम्प्लीट हो जाएगा, मुझे लग रहा है लेट जाएगा क्योंकि ना उठते उठते ही 9:30 हो गया, उसके बाद से गई फूल वगैरह लेकर आई, तो इससे ना काफ़ी लेट हो गया। कोई बात नहीं, भगवान तो हमेशा ही रहेंगे, 11 बजे करे या 12 बजे करे। तो चलिए फटाफट से पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद से बाकी के काम करते हैं। चाय बन गया, चल जाएगा चाय। मेरे को ना प्लास्टिक ग्लास में नहीं देना, मेरे को उस ग्लास में लेना। तो हो रही है हमारी सुबह की गर्मा गर्म सी ताज़ी ताज़ी सी चाय, इसे पी के हम चलेंगे नहाने क्योंकि हो जाएगा काफ़ी देर। गुड मॉर्निंग बोल दो यादू, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम बोल दो, बोल दो, इधर देख के बोल दो, जय श्री राम। क्या है आज? आज जय श्री राम है, जय श्री राम है। बाबू क्या करेगा आज? आज हाँ, आज मैं दिया जलाऊंगा। इधर पास आके बोलो, आज मैं दिया जलाऊंगा। दिया जलाओगे और क्या करोगे? और मैं करूंगा पानी दिया में और पूजा करूंगा, और पूजा करूंगा है ना। अरे वाह, मेरा बेटा कह रहा है कि आज मैं दिया जलाऊंगा और पूजा करूंगा। तो गाइज अभी मैं फाइनली नहा के आ गई हूँ और कसम से इतनी ज़्यादा ठंड है अभी, मतलब 10:30 हो रहा है लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि पूछो नहीं, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और 11 बजे ना पूजा करने का टाइम है, तो फटाफट से ना जल्दी जल्दी से हल्का सा मॉइस्चराइज वगैरह लगा लेते हैं और उसके बाद से फिर पूजा वगैरह करते हैं। क्या हुआ, तुमको नहीं नहाना क्या? नहीं। क्यों? ना अच्छा लग रहा? नहीं। नहा लो यार। नहीं। पापा से बोलो पापा नहला दीजिए मुझे। तो गाइज मैं नहा के सीधे आ गई हूँ छत पे, मैंने सोचा ना चलो अभी थोड़ी सी ना छत पे धूप आ रही थी तो सोचा चलो थोड़ा सा धूप ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो धूप ही नहीं आ रही है, बस कोने में हल्की सी आ रही है। तो इतने से ना क्या होगा ना, जो ठंड मुझे लग रही ना वो थोड़ी सी ठंड कम लगेगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से बाल तो मेरा बिल्कुल नहीं सूखेगा, ड्रायर तो मुझे यूज करना ही पड़ेगा। और ड्रायर ना मैं यूज करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ठंड के मौसम में ना पूरा ठंड मैंने ड्रायर यूज़ किया है, इस बार भी लग रहा है मुझे ड्रायर यूज करना पड़ेगा। और अभी अभी किचन में ना मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बस अभी मैंने दाल ही चढ़ाया है, तो फटाफट से मेरा जब दाल बन जाएगा ना उसके बाद से चढ़ाऊंगी चावल चढ़ाऊंगी और आलू की भुजिया, क्योंकि ना आज यहाँ पे ना इतना ज़्यादा भंडारा वगैरह भी हो रहा है, तो मतलब हम सब लोगों ने मोहल्ले वाले ने मिलके भंडारा वगैरह में पैसे वगैरह दिए हैं, मतलब मैंने नहीं दिया है, बाकी जो भी मोहल्ले वाले हैं ना उन्होंने पैसे वगैरह दिए हैं, तो भंडारा वगैरह करेंगे ना, तो वहाँ से जो भी प्रसाद वगैरह होगा वो तो फिर हम खाएंगे ही, तो इसलिए सोचा चलो आज एकदम लाइट खाना ही बनाएंगे। और बहुत ही प्यारा सा ना जो हमारा मोहल्ला है ना उसे सजा रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए पूजा करने का भी टाइम हो रहा है, फटाफट से चलते हैं। और आज हवा भी नहीं है, एक बार दिखाती हूँ मैं आपको नीचे भंडारा। नीचे क्योंकि
ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, छत पे पूजा करते हैं टाइम। बिना हस्बैंड जी भी नहाए नहीं, उन्होंने बोला ना कि मैं पोछा लगा के ना आऊँगा, तो अभी तक झाड़ू लगा था, पोछा नहीं लगाया। जैसे पोछा लगा लेंगे उसके बाद वो भी नहाएंगे। कौन आप? प्रीति आई है क्या? प्रीति आई थी क्या? कब नहाओगे आप? नहा लो जल्दी से, पता नहीं कब तक नहाओगे। तो आज ना मैं आदू को नहीं नहला रही हूँ, क्योंकि ना कल संडे था ना, तो कल तो मैंने इसे नहला दिया था, इसलिए आज ना मैं उसे नहीं नहलाने वाली हूँ। दाल बन गया? चलिए फाइनल दाल बन गया। चलिए गाइस पूजा करते हैं, उसके बाद से फिर आपसे। तो गाइस अभी हो रहे हैं शाम का टाइम और मैं थोड़ा सा हो गई हूँ रेडी। तो अभी ना मैंने सोचा था ना कि मैं सूट डालूंगी, लेकिन ना एक भी जो सूट है ना मेरे को नहीं हो रहा है, सारी फिटिंग हो रही है सारी की सारी, क्योंकि हेल्दी हो गई हूँ ना, तो इस वजह से ना फिर मैंने यही वाली टी शर्ट डाली। आप देख सकते हैं ना कि मेरा जो ये पेट है ना इसका, ये भी सेव आ रहा है, तो इसलिए ना मतलब टी शर्ट भी ना मुझे मतलब पहनने में कम्फर्टेबल नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा फिटिंग लग रही है। तो मैंने सोचा क्या पहनूँ, तो चलो यही पहन लेती हूँ फटाफट से, और अभी चलते हैं दिया हुआ जलाएंगे। तो अभी ना दिया हुआ तो मेरा सुबह मैंने धूप में रख दिया था, तो अच्छे से ये सूख गया है, और बाहर ना कीर्तन हो रहा है तो अच्छे से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ को आप मैनेज कर लेना। तो चलिए अभी ये नहीं ले दिया, पहले मोबाइल को रख लेते हैं साइड में। तो अभी ना सारे दिए मैंने फटाफट से डालती हूँ तेल, अभी ना अभी जो टाइम हो रहा है ना वो भी 6 बज रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं 6:30 बजे ना जब पहले घर की एक बार पूजा कर लूँ, और उसके बाद से फिर दिया वगैरह जलाऊंगी अच्छे से, हर जगह रखूँगी जो भी है। तो ना मैं 21 दिए लेकर आई हूँ, तो 21 दिए शुभ होते हैं, मतलब जितना आपकी इच्छा हो, लोग ज़्यादा भी जला रहे हैं, और बाहर इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो वहाँ भी चलेंगे एक बार, क्योंकि ना उन्होंने सोचा कि पहले घर की पूजा कर लेते हैं फिर बाहर जाने वाले हैं। तो ना हवा इतनी ज़्यादा है ना कि मैं जाने में भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि कान में हवा ना लग जाए, तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, बस बेबी को मुझे थोड़ा डर लग रहा है ना कि उसको मतलब हवा ना लगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि आज हमारे जय श्री राम जी आए हुए हैं, तो चलना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से डालते हैं इतना दिया तेल, उसके बाद से फिर